तो यूरो यूएसडी का दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम एनालाइज करेंगे। यूरो यूएसडी अगर आप देखोगे तो वीकली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस एरिया पे। और यहाँ पे वनडे के चार्ट में जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो आप देखोगे, यहाँ मैं 4 आवर का चार्ट यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया को, यहाँ पर इस एरिया में समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे सेलर्स थे तो इसने यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर मूवमेंट दी। इसके बाद अगर देखोगे तो इस एरिया को काफ़ी बार इसने टच किया और मार्केट डाउन की ओर गई। अब अगर आप देखोगे तो एक दो तो दो बार ऑलरेडी इस एरिया को टच कर चुका है और मार्केट यहाँ पर इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो अगर इसे ब्रेक नहीं करती है तो यूरो यूएसडी अच्छा खासा डाउन यहाँ पर आ सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक के इस एरिया पे आ सकता है जो कि बनती है 1.073 में। तो इस एरिया तक में अगर आ सकता है अगर यूरो यूएसडी इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है और इसके ऊपर कैंडल बनना शुरू होती है तो फिर मार्केट का मोमेंट अच्छा खासा अब भी यहाँ से जा सकता है। तो ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और इसे यहाँ पर ब्रेक करने में यूरो यूएसडी को टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको वेट करना ज़रूरी है। अगर यूरो यूएसडी में इस तरह की कैंडल्स यहाँ पे बनती है, जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के रेड कैंडल्स यहाँ पे भी बनते हैं इस तरह से, कुछ बड़ी होनी चाहिए कम से कम, ये जो एरिया है ये एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ये जो एरिया है मैं आपको इसके थ्रू यहाँ पर बता रहा हूँ, इस एरिया को कम से कम ये रेड कैंडल जो बनेगी 1.075 के नीचे अगर क्लोज होती है तो फिर यूरो एसडी में काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि यहाँ से यूरो एसडी डाउन आ सके। लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो फिर यूरो एसडी अच्छा खासा यहाँ से अप भी जा सकता है नेक्स्ट वीक, और यूरो एसडी यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे जो भी अपडेट होगी, जो भी यहाँ पर कॉल्स होंगे वो मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा, जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले पाओगे।